हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे और आपके चैनल सलाम सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ डीडी फ्री डिस्क एमपीजी 4 सेटअप बॉक्स हो या एमपीजी 2 सेटअप बॉक्स हो, आप कैसे चैनल को डिलीट या मूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सबसे पहले क्या करना है, आपके अपने टीवी से चैनल लिस्ट ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको सारे चैनल यहाँ पर नज़र आ जाएंगे आपके टीवी का। अब क्या करना है, आपके रिमोट में एक पीला बटन का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसको प्रेस करना है। तो आप जैसे ही अपने रिमोट से पीला बटन प्रेस करते हैं तो आपके टीवी के ऊपर एक नया पेज विंडो ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे पीला बटन मैंने प्रेस किया, अब नया पेज यहाँ पे ओपन हो गया। अब मान लीजिए मुझे कोई भी चैनल को मूव करना है, तो ऊपर जब देख पा रहे हैं एक डिलीट का ऑप्शन है, मूव का ऑप्शन है, स्किप का ऑप्शन है, लॉक का ऑप्शन है, फेवरेट का ऑप्शन है। तो आपको कुछ भी करना है तो उस बटन को प्रेस कीजिए। मान लीजिए मुझे मूव करना है चैनल को, तो यहाँ पे दो मैंने प्रेस किया। अब जो चैनल को मुझे अपने मुताबिक रखना है, अब उसको अब करना है मुझे। तो मान लीजिए मुझे सोनी पॉल को 55 पे रखना है, तो सोनी पॉल को मैंने प्रेस करके ओके किया और यहाँ पे 55 पर आके पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, आपको एग्जिट बटन प्रेस करके बाहर आ जाना है और यहाँ पे डू यू वांट टू का सेव का ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू सेव, आपको ओके कर देना है। तो आपका जो चैनल है सोनी पॉल वो 57 से 55 पे सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने चैनल को अपने मुताबिक सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे सोनी पल जो हमारा चैनल 57 पे था वो 55 पे आ चुका है। अब इसी तरह आप अपने सारे टीवी चैनल को अपने फेवरेट मुताबिक सेट कर सकते हैं अपने सेटअप बॉक्स में। अब यहाँ पे मैं आपको डिलीट का भी ऑप्शन बता दे रहा हूँ। यहाँ पे नंबर 1 से डिलीट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो नंबर 1 जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये हमारा इनेबल हो गया। अब जिस चैनल को डिलीट करना है उस पर हमको ओके मारना है, तो यहाँ पे क्रॉस का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं जी बिहार को डिलीट करना चाहता हूँ चैनल को, तो यहाँ पे देखिए जैसे ओके मार रहा हूँ तो एक क्रॉस का ऑप्शन बन जा रहा है। अब क्या करना है, आपको एग्जिट बटन प्रेस करना है। जैसे ही एग्जिट बटन आप प्रेस करते हैं यहाँ पे सेव करते हैं तो आपका जो जी बिहार चैनल है वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको कि मेरा चैनल डिलीट हुआ है या नहीं। 74 पे जी बिहार था, यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे जो जी बिहार चैनल है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने सेटअप बॉक्स में चैनल को मूव कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आप किसी भी MPG 2 या MPG 4 सेटअप बॉक्स में चैनल को डिलीट या मूव कर सकते हैं और अपने मुताबिक रख सकते हैं चैनल को। यहाँ पर देख पा रहे सोनी पल हमारा 55 पे आ गया है और डीडी नेशनल था जो 56 पे आ गया है। तो अब मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, फिर से यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ मैं अपने चैनल को, फिर से यहाँ पे डीडी नेशनल को ऊपर 55 में कर दे रहा हूँ। यहाँ पे दोनों प्रेस करना है मुझे इनेबल करने के लिए, मूव करने के लिए। दोनों प्रेस किया, आप यहाँ पे सोनी पल को मैं 57 पे ला दिया और जो हमारा डीडी नेशनल था वो 55 पे वापस चला गया। अब यहाँ पे हमको एग्जिट बटन प्रेस करके अब यहाँ पे इसको सेव कर देना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल सलाम सॉल्यूशन पॉइंट।